कहा जाता है कि तकरीबन 17 लाख साल पहले इंसान पत्थरों और लकड़ी को रगड़कर आग जलाता था, जो कि काफी लंबा और मुश्किल अमल हुआ करता था। लेकिन बाद में ये काम बहुत आसान हो गया जब सन 577 में एक चाइनीज ने सल्फर माचिस इजाद की, और 19वीं सदी के निस्व में वो माचिस इजाद हुई जिसे हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। माचिस हर घर में मौजूद है, ये हर घर की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी माचिस को बनाने के लिए फैक्ट्री में बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे बनती है ये माचिस। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। पीलिंग एंड चॉपिंग। माचिस की तीलियों को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक मशीन की मदद से पतली पतली शीट्स में छील लिया जाता है। जी हाँ, इन शीट्स को काटकर माचिस की तीलियों को बनाया जाता है। लकड़ी की इन शीट्स को एक एम्प्लॉय तकरीबन 4-4 मीटर की लंबाई तक काटता चला जाता है। तकरीबन 50 शीट्स को तह दर तह रख दिया जाता है और लकड़ी के इन शीट्स को इस मशीन की मदद से तीलियों में काट लिया जाता है। देखें ये मशीन कितनी स्पीड से तीलियां काट रही है। माचिस बनाने के लिए मशीनों के साथ साथ बहुत से एम्प्लॉयज की भी जरूरत होती है। माचिस की तीलियों को बनाने के बाद इनको छानने का काम ये मशीन करती है, ताकि लकड़ी के बहुत छोटे बेकार तिनकों को अलग किया जा सके, जिसके बाद इन तीलियों को पॉलिश किया जाता है ताकि इन तीलियों में किसी किस्म का कोई तिनका ना रह जाए और तीलियों का इस्तेमाल करते वक्त उंगलियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये मशीन तीलियों को अच्छी तरह से पॉलिश कर देती है। आउटर बॉक्स मेकिंग। साथ ही फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में बनती है माचिस की डिबिया। इसके लिए सबसे पहले गत्तों को मतलूबा साइज के मुताबिक काट कर उन पर कंपनी का नाम वगैरह छाप दिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मशीन कितनी महारत से काम को सर अंजाम दे रही है, जिसके बाद छापी गई शीट्स पर लेमिनेशन किया जाता है ताकि माचिस को गीला हाथ लगाने पर ये खराब ना हो जाए। अगले मरहले में बारी आती है इन छापी गई शीट्स पर पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस लगाने की। इसी केमिकल पर माचिस की तीली को रगड़ने पर तीली जल जाती है, जिसके बाद इन शीट्स को एक मशीन की मदद से माचिस की डिबिया के साइज के मुताबिक काट लिया जाता है। यहाँ इस मरहले में माचिस के बाहर वाले बॉक्स को बनाया जाता है। देखें ये मशीन कितनी स्पीड से माचिस के ऊपर वाले हिस्से को बना रही है। अब बारी आती है माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाने की। सबसे पहले कटे हुए पेपर रोल को एक आयरन प्रेस की मदद से पेपर की नमी कम की जाती है, जिसके बाद पेपर को अगली मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन इतनी फास्ट होती है कि ये एक घंटे में 55,000 माचिस के बॉक्स बना देती है। पेपर को काटना, मरोड़ना और बॉक्स बनाना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन खुद करती है। जिसके बाद बारी आती है तीलियों पर केमिकल लगाने की, जिसके लिए एक बहुत बड़े मिक्सर में पहले जिलेटिन कैप्सूल और पोटेशियम क्लोरेट को डाला जाता है। जिलेटिन का मकसद पोटेशियम क्लोरेट को तीली के सर पर चिपका कर रखना है, जिसके बाद मिक्सर में गर्म पानी डाला जाता है ताकि जिलेटिन और पोटेशियम क्लोरेट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बाद में इस मिक्सर में सिलिका के दाने डाले जाते हैं, जो आग लगने पर कंट्रोल करते हैं कि कहीं किसी माचिस में अपने आप ही आग ना लग जाए। फिर इस सारे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, और तकरीबन 40 मिनट बाद जब मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तब इस मिक्सर में लाल रंग डाला जाता है और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी डाले जाते हैं जो तीली को तेजी से जलाने का काम करते हैं। अगले मरहले में पहले से तैयार शुदा माचिस की तीलियों को एक मशीन में डाला जाता है, ताकि इनको उस मिक्सर में डबोया जा सके। इस मशीन में तीलियां खुद बखुद ही अटक जाती हैं। देखें ये नज़ारा कितना हैरान कुन है। यहाँ देखें कि ये मशीन कितनी महारत से सारी तीलियों को उस मिक्सर में डिप कर रही है। डिप करने के बाद इन तीलियों को एक रोलिंग मशीन पर घुमाया जाता है, जिस दौरान सारी तीलियां एक घंटे में सूख जाती हैं। जिसके बाद बारी आती है इनको माचिस में डालने की।
यहाँ एक मशीन तिलियों को माचिस बॉक्स में डाल रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए सबको आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये मशीन 10-10 माचिस की डिब्बियों को एक बड़े पैकेट में पैक कर रही है, जिसके बाद इनको एक बड़े बॉक्स में डालकर हम और आप तक भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको माचिस बनाने के मुतालिक क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। आपके लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूरबीनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा,